सामने ये महसूस किया कि इस कम्युनिटी को आज तक कोई भी महत्व नहीं दिया गया, इनको अनटचेबल समझा गया, इनके पावर का कभी एहसास नहीं हुआ। वो 500 लोग 28,000 को कैसे हरा सकते, ये बड़े सरप्राइज पर हुआ। लेकिन बाबा साहब ने यह एहसास कराया कि अगर मेरी कम्युनिटी को पढ़ने का अधिकार दिया जाए, बराबर का अधिकार दिया जाए, सबके साथ बैठने का अधिकार दिया जाए, सार्वजनिक तालाब का पानी पीने का अधिकार दिया जाए, तो मेरी कम्युनिटी देश को बहुत ऊपर ले जा सकती है। लेकिन मुझे अफसोस इस देश के चंद लोगों ने इस समाज को इतना नीचे बनाया, गुलाम बनाया कि इनकी पशुओं के समान इस बात को रिलाइज स्वामी विवेकानंद ने किया कि हम धन्यवाद देते हैं उन मुगलों को जो इस देश में आए और इस देश के अंदर पशु समान जिंदगी बिताने वाले को आज मनुष्य के लिए हम धन्यवाद देते हैं अंग्रेजों को जिन्होंने इस देश में शिक्षा की शुरुआत की और लोगों को ये महसूस हुआ कि हम इस देश में गुलाम हैं। जो बाबा साहब ने कहा कि गुलामों को गुलामी का एहसास दिला दो, गुलाम अपनी पेड़ियां तोड़ देगा, यही इस देश के अंदर गुलामी की पेड़ियां तभी टूटी जब शिक्षा की शुरुआत। लेकिन अफसोस इस बात का है कि देश स्वतंत्र तो हुआ, मिस्टर चर्चिल ने यह कहा था कि मैं सत्ता सौंप रहा हूँ आप लोगों को, भारतवासियों को, लेकिन जिनको सौंप रहा हूँ उनके चेहरे तो बहुत चिकने हैं, बहुत अच्छे हैं, बात भी बहुत अच्छी करते हैं, लेकिन इनके दिल के ये काले हैं, ये ईमानदार नहीं है। इस स्वतंत्रता का लाभ ये उन लोगों को नहीं देंगे जो लास्ट में है, गरीब है, अछूत है। आज 70 साल बस होने के बाद भी आज वही पोजीशन है जो मिस्टर चर्चिल ने आज से 70 साल पहले बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है। अगर ये पहाड़ में गए थे अपनी डिग्निटी बनाने के लिए तो क्या किसी का बुरा करने दें। हर इंसान चाहता है कि हम भी डिग्निटी से, तो आज भी इनको अधिकार नहीं है कि ये डिग्निटी से पीछे। और जहाँ जहाँ बाबा साहब की बात आती है लोग उसे गर्व से चलते हैं। अरे अम्बेडकर की आवाज सुनता है तो उसे बच्चे को मार दिया जाता है, कैसे कट जाएगा। आज कोई मान सम्मान से रहता तो उसे मार दिया जाता है। इन लोगों की लड़कियों को किडनैप कर दिया जाता है, मार दिया जाता है, डर से बांध दिया जाता है। लेकिन आपको क्या होता है, जिसका बच्चा जाता है उसी को बंद कर दिया जाता है। तो या तो दलितों को कुछ मिला ही नहीं इस देश के अंदर, मोदी गंगा कार जो कुछ भी है हमारे जान सब कुछ तो आपका है। आप मुझे बता दीजिए ईमानदारी से इनको क्या मिला। ये जो 10% बात करते हैं अपने अधिकार के सब वो है जो बाबा साहब की वजह से एजुकेशन दिया, शिक्षा दिया, इनको ज्ञान हुआ, वो बात अधिकार तो इन्हें मिला ही नहीं। अगर इन लोगों को भी जागृति हो जाए कि इस देश के आज भी हम गुलाम हैं तो एक क्रांति और आएगी, इसे कोई रोक नहीं सकता। क्यों नहीं रोक सकता, क्योंकि हम बार बार कहते हैं कि ये जाति है, ये सबसे बड़ा नुकसान करती है इस देश का, इस देश को आगे नहीं बढ़ने दे रही। दयानंद सरस्वती ने कहा अरे हम कोई गरीब नहीं, हम सब ही आ रहे हैं, हम सब मिलकर क्यों नहीं आगे बढ़ते। स्वामी विवेकानंद ने कहा हम सब भारतीय हैं, हम क्यों मिलकर आगे नहीं बढ़ सकते, इस देश को आगे उठा सकते। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बड़े बड़े संत कहते चले गए, बड़े बड़े महान व्यक्ति कहते चले गए, हमारे बाबा साहब ने संविधान बनाया, नियम बनाया, लेकिन उस संविधान को कौन मानता है।
आज भी संविधान को कोई नहीं मानता। अगर आज भी इम्प्लीमेंट संविधान हो गया होता तो ये लोग गरीब है जो आज गरीबी में नहीं हो, ये निश्चित है, इनका भी कल्याण हो गया होता। तो इस कल्याण को कौन करेगा, इस काम को कौन करेगा? सिर्फ वही कर सकते हैं जो देश को जान सकते हैं। देश के प्रति वफादार है, हमारे नेता भी वफादार नहीं है, हमारे प्रधानमंत्री भी वफादार नहीं है, और जितने भी प्रधानमंत्री इस देश में आए कोई वफादार नहीं। क्यों नहीं हुआ कि वो जो भूखा सड़क पर है उसको रोटी नहीं दी, वो सड़क पर सो रहा है उसको मकान नहीं दिया गया। तो इस प्रकार से जो देना चाहिए गरीबों के लिए इस देश में करना चाहिए, उनके लिए कुछ नहीं किया। जब कुछ नहीं किया तो कहते देश डेवलप कैसे होगा? बाबा साहब ने कहा देश डेवलप उससे नहीं होगा, मेरे संविधान से होगा। और मेरा संविधान कहता है कि वो जो भूखा है पहले उसको दो, उसको रोटी दो, उसको मकान दो। जब यहाँ से हम शुरुआत करेंगे तब हमारा देश डेवलप करेगा। इसलिए हम जो चाहते हैं, अम्बेडकरवादी चाहते हैं कि इस देश का डेवलपमेंट हो, और देश का डेवलपमेंट तभी हो सकता है जब आप इस देश के आदमी, करोड़ों के आदमी गुलामी में जी रहे हैं उनकी गुलामी को दूर करोगे। इसलिए मैं अब ज्यादा बात न करते हुए मैं अपनी बात को यही काम देता हूँ, और आशा करता हूँ कि हमारे सभी लोग इस मिशन को आगे बढ़ाने के लिए लगे रहेंगे।